Dear students of 10th class, today we will discuss one of the important question of the same chapter, arithmetic progression. Dear students of 10th class, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इससे फायदा हासिल कर सके. Now we will discuss question number 15 of the chapter arithmetic progression AP, that is arithmetic progression. क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू पे आर द एनथ टर्म्स ऑफ टू एपीज. वी हैव ए टू एपीज गिवन, एन के किस वैल्यू पे फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके टर्म जो है 63, 65, 67 एंड सो ऑन. And second, जो second arithmetic progression है, that is 3, 10, 17 and so on. इन दो arithmetic progressions में n का value क्या होगा जब उन दो arithmetic की nth term equal होगी. यानी इस तरह हम बोल सकते हैं, कौन सा value n का है जब इन दो arithmetic प्रोग्रेशन की nth टर्म जो है इक्वल, n का वैल्यू हमें बताना. सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे हम, पहले हम इस फर्स्ट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म देख लेंगे, फिर हम इसी तरह सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ले लेंगे. उनको हम मान ले कि वो इक्वल है. इफ वी टेक दैट पर्टिकुलर रिलेशन वी गेट दिस सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सिंपल, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम लेंगे एन, दैट इज nth टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसी तरह सेकेंड, इसका हम nth टर्म लेंगे एन डैश, दैट इज nth टर्म ऑफ द सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जब हम इन दो टर्म्स को एन टर्म्स है, ये फर्स्ट वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, सेकंड वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब हम इन दो टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ एन जो हमें चाहिए. सॉल्यूशन, टेकिंग एन एज एन टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 सो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम nth टर्म an ले रहे. an इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारे पास nth टर्म होता है. डियर स्टूडेंट, a इज फर्स्ट टर्म, ये आपको मालूम है. अब d का वैल्यू है कॉमन डिफरेंस, ये a इज इक्वल टू 63 एंड डी इज इक्वल टू, डी हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म, हम सेकंड टर्म में विद फर्स्ट टर्म 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर एन हमारे पास होगा, दैट इज ए 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 2 है. Also, an dash as nth term of second arithmetic progression. Arithmetic progression. Second, that is 3, 10, 17, so on. Iska nth term hai. But an dash is equal to, an dash is equal to, that is always a plus n minus 1 into d. A क्या है यहां पे, that is a dash plus d dash. A dash is here first term of this arithmetic progression. Dear student, d dash is here common difference of the second arithmetic progression. Here a dash is equal to here, that is first term, that is 3. Common d dash is equal to, d dash is difference of any two consecutive term. We take here second first, that is 10 minus 3, that is here 7. Using these two, value of a dash and d dash in this
we get here. Sorry for this. We have here A dash. A dash it is equal to A. A dash is here 3. 3 plus N minus 1 into T. D is here 7. अब क्वेश्चन में एन एच टर्म्स आर इक्वल उस वक्त एन का वैल्यू क्या होगा बाय क्वेश्चन ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश ये हमारे पास है. दिस इंप्लाइज अस ए एन हमारे पास है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू दैट इज 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इट इज इक्वल टू एन डैश दैट इज वो हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू सेवन. नाउ सिंप्लीफाई दिस और दैट इज 63 राइट साइड में जाएगा. चलो 63 लेफ्ट साइड माइनस 3 इट इज इक्वल टू यहां पे 7 इंटू दिस दैट इज 7 एन माइनस 7 ये राइट साइड में जाएगा दैट इज माइनस 2 इंटू एन दैट इज 2 एन 2 into minus 1 that is minus ये जब right side में जाए it becomes plus. Remember this step. यहां पे 7 से multiple होगा 7n 7 से minus 1 को multiple होगा minus 7 2 से n को multiple होगा but goes in right side we get minus 2n 2 से multiple होगा minus 1 it becomes negative जब right side में जाएगा it becomes positive. Now 63 में से 3 चला जाएगा it becomes 60 इट इज इक्वल टू 7n में से 2n चला जाएगा दैट इज 5n माइनस 7 में से प्लस 2 दैट इज माइनस 5 और माइनस 5 यहां आएगा दैट इज 65 इज इक्वल टू 5n और n इज इक्वल टू दैट इज 65 डिवाइड बाय 5 5 1s are 5 3s are दैट इज n का वैल्यू हमारे पास 13 है दैट इज 13 जब n का वैल्यू हम लेंगे दैट इज 13th टर्म जब होगा उस केस में 13th टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इक्वल होगा. थैंक यू हैव ए नाइस डे.